नमस्कार, आप देख रहे हैं जी ओबी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंच रहे। कांग्रेस के संकट मोचन डीके शिव कुमार से ईडी ने की 4 घंटे से अधिक की पूछताछ। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बाद पार्टी के एक और नेता पर जांच एजेंसियां ने शिकंजा कसा है। कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाने वाले डीके शिव कुमार से ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ की है। पूछताछ 4 घंटे से अधिक समय तक चली है। आधिकारिक तौर पर खबर है कि उनका धन शोधन रोकथाम कानून के तहत बयान दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में शिव कुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी का मामला आयकर विभाग द्वारा पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर एक आरोप पत्र पर आधारित है, जिसमें करोड़ों रुपए की कर चोरी और हवाला देने का भी आरोप लगाया गया था। पीएम मोदी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुंबई की अदालत ने राहुल गांधी को भेजा समन। रफाल सौदे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के दौरान उन्हें चोरों का सरदार कहने पर दायर की गई एक मानहानि शिकायत पर मुंबई की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। गिरगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त को समन जारी करते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह समन महेश श्री श्री माल नामक एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई है। श्री श्री माल ने प्रधानमंत्री मोदी को चोरों का सरदार कहने पर गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। गांधी ने मोदी पर पिछले साल तीखा हमला करते हुए उन्हें चोरों का सरदार कहा था। समन में कहा गया है कि राहुल राजीव गांधी आईपीसी की धारा 500 के तहत एक आरोप में उनको उपस्थित अनिवार्य है। आपको 3 अक्टूबर 2019 को अदालत के समन व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है। एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी। असम में बेचैनी का माहौल। 19.06 लाख लोगों को लिस्ट में जगह नहीं। एनआरसी की अंतिम लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है। लिस्ट प्रकाशित होने से पहले असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। साथ ही हिंसा की आशंका और सांप्रदायिक झगड़ों की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन और गृह मंत्रालय अलग अलग स्तरों पर जनता में शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। एनआरसी असम में रह रहे भारतीय नागरिकों की लिस्ट है। इसे राज्य से अवैध तरीके से घुस आए तथा कथित बांग्लादेशियों के खिलाफ असम में हुए 6 साल लंबे जनादेश के तौर पर इसे भी समझा जा सकता है। ईस्ट लिस्ट में लगभग 19 लाख लोग अपनी जगह नहीं बना पाए। एनआरसी के राज्य समन्वय प्रतीक हजारी ने बताया है कि इसमें कुल 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी के फाइनल लिस्ट से 19,06,657 लोग बाहर हो गए हैं। एनआरसी बाहर से किए गए लोगों को अब तक समय सीमा के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण या फॉरन ट्रिब्यूनल के सामने अपील करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक एनआरसी की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी। बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल के लिए ममता देगी आर्थिक मदद। कहा, राजनीति नहीं होने दूंगी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का अपना महत्व है। अक्टूबर में होने वाले यह पूजा राज्य में सांस्कृतिक स्थान रखती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल में पूजा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल दुर्गा पूजा समिति के लिए 25,000 रुपए की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा समिति के लिए बिजली बिल में 25% की कटौती का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह दुर्गा पूजा पर कोई राजनीति नहीं होने देगी। इस साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में दुर्गा पूजा आयोजन होना है। बिहार महागठबंधन में अभी से सीएम पद को लेकर के मचा घमासान। जीताराम मांझी ने भी ठोका दावा। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय शेष बचा हुआ है, परंतु महागठबंधन के मुख्यमंत्री पदों को लेकर के अभी से घमासान की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। महागठबंधन में शामिल सभी प्रमुख अपने अपने नेता के मुख्यमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार होने का दावा ठोक रहे हैं। स्थिति यह है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा फिर से उठ गई है। भारत के आगे झुका पाकिस्तान। सिख लड़की धर्मांतरण केस में 8 गिरफ्तार, पीड़ित को परिवार को सौंपा। आखिरकार पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा है। पाकिस्तान में एक सिख लड़की को अगवा कर जबरन उसे मुस्लिम बनाए जाने के मामले में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पीड़ित लड़की को उनके परिवार को भी सौंप दिया गया है। लड़की नानका साहिब स्थित अपने घर पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान को सिख समुदाय समेत भारत का गुस्सा झेलना पड़ा है। पाकिस्तान में सिख लड़की के धर्म परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता देख पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने इसकी जांच का तुरंत आदेश दे दिया। इसके लिए 3 स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया। पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर ने लाहौर के पीड़िता के परिवारों से भी मुलाकात की। सपा सांसद आजम खां पर 2 दिन में 7 मुकदमे दर्ज। भैंस चोरी के मामले में ढूंढ रही है पुलिस। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खां पर बीते 2 दिन से 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कर रही है। आजम खां और उनसे जुड़े लोग इन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि वे लोग निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खां की भैंस चोरी हो गई थी और रामपुर की पुलिस इन भैंसों को तलाश कर रही थी। अब वहीं रामपुर पुलिस आजम खां की भैंस चोरी के मामले में उन्हें तलाश कर रही है।
अब कश्मीर में भी दौड़ेगी मेट्रो, 2020 में शुरू होगा काम। एक ओर कश्मीर में पाकिस्तान साजिश कर रहा है, सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कश्मीर के विकास के एजेंडे पर तेजी से काम कर रही है। अब दिल्ली और मुंबई की तरह श्रीनगर में भी मेट्रो दौड़ेगी। सरकार ने 2024 तक मेट्रो को दौड़ाने का लक्ष्य तय किया है। श्रीनगर मेट्रो कश्मीर की लाइफलाइन के तौर पर काम करेगी। कश्मीर में बढ़ती आबादी और भविष्य में विकास की रफ्तार अब तेज होगी, तो जरूरत होगी मेट्रो की भी। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि जिसने दिल्ली मेट्रो को सवारा है उसे श्रीनगर मेट्रो का भी काम दिया जाए। मतलब मेट्रो मैन ई श्रीधरन को मेट्रो प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया है।